हेलो फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द वार्ड स्टाफ एंड दिस इज़ योर एमएचए 402 फोर टू दैट इज ओटी एंड वार्ड मैनेजमेंट व्हिच इज़ द सेकंड सब्जेक्ट ऑफ योर फोर्थ सेमेस्टर सो इफ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास रिगार्डिंग द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ वार्ड्स है ना तो आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि वार्ड्स क्या होते हैं वार्ड्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं है ना जिसमें हम लोगों ने ये बात किया था कि एक कंफर्टेबल और डिज़ायरेबल एनवायरनमेंट, विच इज़ अ टम्प्रेरी सब्सटिट्यूशन ऑफ होम आप कैसे दे सकते हैं वार्ड्स के अंदर जहाँ हमने प्लानिंग की बात की थी ऑर्गेनाइजिंग की ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी है ना और हमने बात की थी कि टाइप ऑफ हॉस्पिटल्स के हिसाब से पॉलिसीज़ कैसे बदल जाती हैं बेस्ट स्ट्रेंथ के हिसाब से चीज़ें कैसे बदल जाती हैं वी आर ऑल्सो स्पोकन अबाउट द फिजिकल फैसिलिटीज विच इज़ रिक्वायर्ड इन द वार्ड्स सो बेसिकली यू नो वी हैव ऑल्सो स्पोकन अबाउट द साइज लोकेशन एंड द हाउसिंग एरिया एंड एवरी थिंग सो टू समीज थिंग्स वार्ड मैनेजमेंट लाइक वी सेट इट इज़ फैसिलिटेटेड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टमैटिक प्रोसीजर्स फॉर डीलिंग विद द डिटेल्स ऑफ द वार्ड फंक्शंस तो जैसे कि मैंने बताया और जैसे आप इसके बारे में अगर ज़्यादा डिटेल्स में जानना चाहते हैं रिगार्डिंग वार्ड मैनेजमेंट तो आप हमारा पुराना वाला वीडियो जिसमें हमने बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वार्ड हमने डिस्कस किया था तो आप इसका चैप्टर वन को जरूर देखिए हमारे यूट्यूब चैनल ए के अंदर सो मूविंग फॉरवर्ड सो ऑब्जेक्टिव ऑफ वार्ड मैनेजमेंट बेसिकली कैन बी टू ठीक है या तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं या किसी चीज़ का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं या दोनों हो सकते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव वार्ड स्टाफ का क्या है पेशेंट की केयर करना है ट्रीटमेंट करना है अर्ली डिस्चार्ज ओके और उसको हम शॉर्ट टैंजिबल गोल्स के अंदर या ऑब्जेक्टिव्स के अंदर डिफाइन करेंगे जब हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो यहाँ पे स्पेशलिटी ट्रीटमेंट जिस टाइप का हॉस्पिटल है वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसके हिसाब से हम उसको डिफाइन करते हैं यहाँ पर पर्सनल ट्रेनिंग के भी इशूज़ आ जाते हैं एडवांसमेंट कि आप अपने करियर में कैसे करके आगे बढ़ेंगे तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं दैट विल ऑल कम इन टू योर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टि एंड मेन रोल इन वार्ड मैनेजमेंट इज बेसिकली परफॉर्म बाई द नर्सिंग यूनिट आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी हॉस्पिटल या किसी वार्ड के अंदर जो उसका बैकबोन है जो इसका पिलर है दैट इज़ बेसिकली द नर्सिंग यूनिट दिस नर्सिंग यूनिट बेसिकली फॉर्म्स दी सिस्टम अब हाँ आपको याद होगा कि हमने सिस्टम्स मैनेजमेंट की बात की थी ओके सो सिस्टम्स मैनेजमेंट के अंदर हमने कहा था कि किस तरीके से लीडरशिप मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी का इशू आ जाते हैं और वहां पे ये बहुत जरूरी है कि वॉर स्टाफ इस चीज़ को कैसे करके पूरा करता है तो हेंस फॉर नर्सिंग यूनिट शुड बी डिजाइन इन सच अ मैनर दैट इट कैन ऑपरेट एट अ मिनिमम कॉस्ट बट एट द सेम टाइम द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज शुड बी इंश्योर्ड सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो विद दिस वी कम टू द पर्सनल मैनेजमेंट ओके सो यहाँ पे अब हम लोगों ने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है क्यों हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि देखिए जब हम बात करते हैं आ, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर या वार्ड के अंदर तो हम इसको दो कैटेगरीज में हम एक बेसिकली फ्लोर नर्स या वार्ड नर्स के बारे में बात करेंगे और हम एक वार्ड मैनेजर के बारे में बात करेंगे जब हम बात करेंगे मैनेज मैनेजर के पर्सपेक्टिव से ओके okay, सो so यहाँ पे पर्सनल मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू आ जाता है दोनों के कंपोनेंट में ओके okay, सो so हम कुछ कैटेगरीज लेंगे पहले हम बेसिकली पर्सनल मैनेजमेंट इन द वार्ड को समझ लेंगे और फिर हम बेसिकली नर्सिंग मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और नर्सिंग स्टाफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उस परस्पेक्टिव से वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सीनोमना सो एज फार ज लीगल रिस्पांसिबिलिटी पेशेंट तो अल्टीमेटली उनका जो गोल है दैट इज टू प्रोवाइड एंड एंश्योर द्वालिटी उसको आप कैसे करेंगे उसको आपका जो स्टाफ है आपका जो मैनेजमेंट है आपका जो पूरी की पूरी टीम है वो कैसे आप उसको मैनेज कर रहे हैं ठीक है ना आप उसको कैसे आप हाउ यू आर बिकमिंग एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर हाउ यू आर मोटिवेटिंग योर टीम हाउ यू आर वर्किंग एज अ लीडर है ना हाउ यू आर वर्किंग एज अ काउंसलर हाउ यू आर बेसिकली वर्किंग एज अ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर ओके सिमिलरली हाउ यू आर कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन द थिंग्स हाउ यू आर काउंसलिंग हाउ यू आर डूइंग योर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव सिमिलरली जब हम ऑपरेशनल सो so Personal management is one aspect, second is the operational management. What is day-to-day -day affairs, the management of day-to-day -day affairs. Okay. So here you are basically talking about more monitoring and evaluation of the entire team. Okay. How you are basically monitoring your activities, how you are evaluating your activities, how you are making changes, how you are basically improve imp uh, doing improvisation. So here uh, there is an important role of the nursing service. So nursing service is dealing about patient care. It is dealing with administration. It is dealing with education. It is dealing with housekeeping, clerical uh, aspect. It is dealing with the maintenance of supplies and equipment. It is um, also uh, taking into consideration your off station duties and uh, discipline and patient care as a whole. So you can see there is a whole gamut of responsibilities which is a part of your ward staff. Okay. So uh, going by this thing, so we are when we are talking about uh, uh, the entire thing, we are basically talking about the ward management, your strategic management and the objective management. Or KCB Hospital there, you have to ensure this thing that KCB Hospital there, you know medical audit nowadays is very, very common. okay. So why is medical audit very, very common nowadays? Because medical audit is basically a system of activities which you are basically doing uh, so that you can improvise upon the various things. You are basically doing it in a retrospective manner. आप पीछे से उसको देख रहे हैं कि आपका ये चीजें कैसे चल रही हैं, आपने records को कैसे maintenance किए हैं। और ultimately आपका aim यहाँ से ये है कि how you are doing the improvement of your patient care activities. So as far as you know your nursing services is concerned, we have spoken about ward management okay uh, education housekeeping so we have already discussed this thing in the previous slide so uh, as far as your uh, you know the duties and responsibilities of the ward staff when you are comparing in terms of your nurse to bed ratio you have to understand you have to uh, do a manpower planning okay Ki how much nurse should be allocated for how many number of um, your shifts According so here two components are important. One thing is, key what is the right mix of the uh, staff and what is the right number of staff. So this is very very important. So suppose you have got departments like general medicine, you have got an ICU, you have got labor, you have got OT, you have and gynecology, you have got pediatric. So based on this, you can see in the slide like one nurse for every 25 beds and one nurse for each shift. So divide into if there are three shifts, so you require three okay nurse if this is a 25 bedded hospital and if it is a 75 bedded hospital so then you require in each ship you require three nurses okay your nursing in charge and your nursing staff so one nurse for each three beds so you multiply by the number with the number of beds with the number of in charge and the with the number of the manager so like this the entire uh, norms is there so you have got a one nursing sister for every three to six staff nurse you have got one assistant nursing superintendent for every four to five nursing sisters. Okay. And you have got one DNS for every five to seven assistant nursing. Um Superintendent and was one nursing superintendent if it has it is more than a it is if it is a 250 to 500 bedded hospital and you have a chief nursing officer if you have got more than 500 bedded hospital. So this is the entire scenario that needs to be kept into consideration so that you can do the operational management should be perfect. There should should not be no shortage of staff and you can go see the organogram over here where basically the nursing superintendent is under medical superintendent and nursing superintendent is controlling both nursing superintendent of, of two units uh, of various aspects whether we are talking about wards on icu or ot or ccu or our asian services and like the uh, you have got the various aspect so important factors while planning or while doing a manpower you know uh, calculation for the nursing staff you need to see what is the number and the type of patients okay how many number of type of how how many uh, number of beds you have within your hospital and the type of wards you are having like we just said whether it's a gynec hospital or it's a super specialty hospital or it's a multi-speciality hospital or it's a nursing unit a simple nursing home and similarly the type of services it is giving okay the type of physical act facilities it is having the what is the provision of the various equipments and the supplies so all these things will, will be very very important while deciding like the how many uh, nursing staff do you require for your hospital similarly when you talk about the duties and the responsibilities of the ward staff okay so there are various objectives and there are various roles of the nurse. Okay, so we will be first uh, first uh, understanding the role of the nurse, and slowly we will be also understanding the the role of the ward nurse, and followed by the manager. So, uh, seeing by the objectives of the nursing board, what does it want basically? So, what you want is basically an ensuring you want to ensure a maximum comfort and happiness. You want to see whether there is a qualitative or a comprehensive care that is being given to the patient. है ना सिमिलरली आप क्या देखते हैं कि केयर जो है वो पेशेंट के नीड्स के अकॉर्डिंगली दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा आप वहां पे जो इलनेसेस का एक्यूरेट असेसमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे है ना

कितने अच्छे हो आप प्राइवेसी को कैसे मेंटेन करते हो सो गोइंग बाई दीज ऑब्जेक्टिव आर द रोल्स ऑफ अ केयर गिवर इट इज ऑफ अ डिसीजन मेकर इट इज ऑफ अ कम्युनिकेटर इट इज ऑफ अ मैनेजर ऑफ केयर इट इज एन एडवोकेटर एंड इट्स अ टीचर क्योंकि आपको अपने जूनियर्स को भी सिखाना है कि आप ऑप्टिमल हेल्थ केयर किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं सो गोइंग बाई दिस द जॉब डिस्क्रिप्शन नर्स का क्या है तो द नर्स का जॉब डिस्क्रिप्शन अगर हम बोलें कि उनको जो डेलीगेटेड फंक्शन और जो अथॉरिटी दी गई है उसके बारे में उनको उनको बहुत क्लैरिटी हो कि हमें कैसे देना है उनको इट इज ऑल्सो बेसिक फॉर द डिटरमाइनिंग नेचर ऑफ़ द डेवलपमेंट ऑफ द डिजायर्ड पोजीशन है ना आपको अपनी पोजीशन के अंदर क्या आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आप कैसे दे रहे हैं सो बेस्ड ऑन दिस थिंग देर इज अ चीफ नर्स लाइक आई सी एन ओ है असिस्टेंट नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट है डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है स्टाफ नर्स है सीनियर नर्स है वार्ड नर्स है सो आर द ओवरऑल ओके ओके सो देन यू दिस्पॉन्सिबिलिटीजो देर आर सर्टन ट्रेनिंग एज वेल बट सी बिफोर दिस थिंग आई विल अगेन शिफ्ट बैक अब सपोज यहां पर मैं एग्जाम्पल ले, ले लेता हूं द रोल ऑफ अ वार्ड मैनेजर तो वार्ड मैनेजर को अगर हम ले लेते हैं

And then they have to follow the advanced uh, nursing practices, and they have to coach and mentor the individual nurses. So this is the role of the ward manager. So based on this, what are the various you know uh, uh, clinical practice and leadership? They have to take responsibility for the management of the nursing and the healthcare assistant team. They have to lead. They have to coordinate. They have to support a uh, uh, multi-professional ward-based. टीम है ना उनको बहुत क्लोजली एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर काम करना होता है ताकि वो अपने नर्सिंग और केयरिंग टीम को ज़्यादा काबिल बना सके सिमिलरली देव टू डेमांसट्रेट एंड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द ऑप्शन ऑफ अचीविंग द कंट्रोल ऑफ द सिम्टम्स दे हैव टू टेक अप लीडरशिप रोल इन द डिस्कशन ऑफ द लीगल एथिकल एंड द प्रोफेशनल नर्सिंग इशूज है ना उसी तरीके से उनको इंडिपेंडेंटली एसेस करना पड़ता है हर एक पेशेंट की इंडिविजुअल नीड्स क्या हैं उनके गोल्स क्या हैं और उनकी फैमिली और पेशेंट के साथ में काम करना पड़ता है ताकि जो गोल्स हैं वो अचीव हो सके सिमिलरली उनको क्लिनिकल बर्डन लेना पड़ता है सो इट्स अ इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब ओके एंड हैव टू डेमॉन्स्ट्रेट नैगोसिएशन एंड डिप्लोमेसी स्किल्स उनको आनी चाहिए उनको पार्टनरशिप करना आना चाहिए उनको क्लिनिकल सुपरविजन आना चाहिए है ना सिमिलरली उनको कोऑर्डिनेशन करना आना चाहिए उनको उनको बेसिकली uh, रिक्रूटमेंट uh, कैसे करना है अप्रोप्रिएट uh, स्टाफ का वहाँ पे उनका रोल आता है उनको दे हैव टू मॉनिटर एक्सपेंडिचर अगेंस्ट एग्रीड बजट्स टू सपोर्ट इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये उनका बहुत बड़ा रोल है हैव टू इंश्योर दैट ऑल स्टाफ इन द स्वेयर ऑफ रिस्पांसिबिलिटी हैव एनुअल अप्रेजल्स उनके प्रॉपर्ली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे तो ये पर्सनल प्रोफेशनल को मिला के इस तरीके से एंड दे हैव टू बी वेरी एफिशिएंट कम्युनिकेटर सो व्हाई बिकॉज सी कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देर आर बिग बिग यू नो यू नो कैटास्ट्रॉफ्स दैट हैपन विद इन हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कम्युनिकेशन सो दे हैव टू इंश्योर दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल्स विद इन द नर्सिंग इन टीम इज देयर दे हैव टू सी यू नो वेदर द प्रॉपर ट्रेनिंग्स ऑफ द पीपल इज इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस दे हैव टू सी early signs of potential conflicts they have to uh, promote equality and diversity and they have to uh, do the de development of the computerized clinical data and a quality control quality assurance has to be maintained and while when while you are take, talking about you know uh, essential nursing training so you have a bls training advanced cardiac life support and a, or then training about HM HMIS, then quality standards firefighting biomedical waste management सो इट हैज टू बी देयर दे हैव टू बी कॉम्पिडेंट इन लेक्चर एंड डिस्कशन बेस्ड टीचिंग देव टू कोच द स्टाफ टू क्रिएट इंडिविजुअली टेलर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्लान सिमिलरली दे शुड डेमोन्स्ट्रेट कम्पिटेंट कंप्यूटर स्किल्स एक पॉजिटिव लर्निंग एन्वायरमेंट क्रिएट करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है सो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बेसिकली नर्सिंग स्टाफ का जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर इन फैक्ट नर्सिंग मैनेजर के जॉब डिस्क्रिप्शन में आता है एज़ फार एज़ यू सी अप्रोचेज इज कंसर्न अप्रोचेज कौन कौन से वर्ड स्टाफ ले सकता है सो वन थिंग इज अ फंक्शनल मेथड फंक्शनल मेथड का मतलब है कि विच इज़ अ टास्क ओरिएटेड मेथड आप एक एक टास्क लेते हैं जैसे ड्रग्स कैसे देने हैं इंजेक्शन कैसे देने के हैं केयर तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं इससे नर्सिंग uh, की एफिशंसी इम्प्रूव होती है यू फील हाउ द यू द टाइम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम कैन बी डन देर कुड बी लेस कंफ्यूजन प्रॉपर मॉनिटरिंग देअर ओके एंड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है डिसएडवांटेज क्या है द इज नो अकाउंटेबिलिटी द इज नो इंडिविजुअलाइज्ड केयर इन दीज केसेस सो इट इज़ अ इफिशियंट मैथड द सेकेंड मैथड दिस इज बेसिकली देशेंट केयर मैथड अगेन ईच नर्स इज एलोकेटेड फॉर वन आर टू बेड्स एंड वी एफ सी लाइक थ्री बेट्स ऑल्सो एज वेल एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्पलीट केयर इंक्लूडिंग मेडिकेशन सपोर्ट इन्वेस्टिगेशन अटेंशन टू द कंप्लेन एक्सेट्रा फॉर अगेन यहाँ का एडवांटेज क्या है कि पेशेंट आर गेटिंग मोर इंडिविजुलाइज्ड केयर पेशेंट सैटिफाइड होते हैं बट दर इज अस दर इज ऑपरचुनिटी फॉर पेशेंट एजुकेशन लेस कन्फ्यूजन सेटिसफेक्शन ऑफ द पेशेंट बिकॉज उनके रोल्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है उनके रोल्स की सराहना किया जा रहा है बट हेयर डिसएडवाटेजेस कि आपको ज़्यादा इसमें वर्कर्स चाहिए एफिशियंसी यू नो शायद इम्प्रोवाइज नहीं हो यहाँ पे एंड लेस वर्क इज़ डन एंड मोर टाइम यूटिलाइजेशन इज़ इन सो दिस आर द वेरियस सीज सिमिलरली टीम दानसेप्ट अगेन एन अप्रोच ए न्यू अप्रोच विच इज नोन एज टीम मेथड यहां पर क्या होता है कि हर एक टीम का एक टीम लीडर होता है जैसे मैंने बताया वार्ड मैनेजर है ठीक है अब जो रजिस्टर्ड नर्सेज दे पार्ट ऑफ द मेडिकल टीम यहां पर टीम का कॉन्सेप्ट है बिकॉज द टीम एंटायरली इट्स इट्स अ होलिस्टिक टीम वो लोग टीम स्पिरिट से काम करेंगे वो पे, पेशेंट की बेटर प्लानिंग uh, करेंगे हर किसी की जॉब रिस्पॉसिबिलिटीज डेलीगेट की जाती है कम्युनिकेशन उसमें बेटर होता है बट अगेन इसमें ज्यादा स्टाफ चाहिए होता है लीडरशिप क्वालिटीज के अंदर बहुत स्टेबल होनी चाहिए और अगर सारे मिलकर प्रॉपरली काम करते तभी आपको अपना गोल अचीव होगा सो हेयर बेसिकली स्पेसिफिक बेसिकली बेस्ड ऑन स्पेशलिटी एंड एम्प्लॉयर सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पे पेशेंट जो होता है वो बहुत पेशेंट की केयर अच्छे तरीके से हो जाती है सो देन वॉट आर द फंक्शंस ऑफ द वार्ड सिस्टर इन इंचार्ज है ना तो अब मान लीजिए कि अगर आप फ्लोर नर्स हैं या वार्ड नर्स हैं तो उनका दे आर इन चार्ज ऑफ अ पर्टिकुलर फ्लोर तो उनके उनके बारे में ये इंपॉर्टेंट है कि दे शुड बी एबल टू टेक गुड नर्सिंग केयर ऑफ द पेशेंट दे शुड बी कैरिंग आउट द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन प्रॉपर्ली सुपरविजन प्रॉपर उनका होना हो हुन चाहिए उनकी गाइडेंस प्रॉपर होनी चाहिए प्रॉपर ओरटेशन ऑफ द वार्ड स्टाफ प्रॉपर्ली करें मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स को प्रॉपर्ली रखें इंडेंट स्टोरेज यूटिलाइजेशन प्रॉपरली करें सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ यू नो वार्ड्स सो so, बेसिकली हमने कहा कि जब आप नर्सिंग वार्ड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली वहां पे कंपोनेंट्स हैं अलग अलग सो so, कॉम्पोनेंस किस में है पेशेंट uh, केयर का एक कंपोनेंट है पर्सनल मैनेजमेंट का एक कंपोनेंट है सप्लाई एंड इक्विपमेंट का एक कंपोनेंट है एंड एनवायरमेंटल क्लिनलीनेस का एक कॉम्पोनेट है लेट्स टेक देम वन बाय वन फर्स्ट वी कम टू मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट केयर तो पेशेंट केयर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है पेशेंट केयर में उनका एडमिशन इंपॉर्टेंट है ओरिएंटेशन ऑफ द पेशेंट और द क्लाइंट इंपॉर्टेंट है उनका असेसमेंट इंपॉर्टेंट है उनका प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर कैसे किया जा रहा है प्रायोरिटी बेस्ड आपका नर्सिंग केयर का आप शेड्यूल कैसे बना रहे हैं उन उन शेड्यूल्स को आप प्लान आउट कैसे कर रहे हो उसको आप उसको आप मॉनिटर कैसे कर रहे हो राउंड्स का क्या आपका हिसाब किताब है आप वार्ड राउंड्स का क्या हिसाब किताब है देन सिमिलरली आप रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स को कैसे रखते हैं आप इमरजेंसीज को कैसे मैनेज करते हैं आप क्लाइंट की टीचिंग कैसे करते हैं अप्रेजल आप कैसे अपने नर्सिंग यूनिट का करते हैं सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर ऑल्सो दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो नोन एज बाई द कॉन्सेप्ट ऑफ द चार्ज नर्सेज है ना दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द पेशेंट केयर परफॉर्म बाई अदर नर्सिंग स्टाफ इन देर असाइंड यूनिट तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है एंड दे ऑल्सो एस्टैब्लिश एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू दी ओवरऑल हेल्थ केयर प्लान्स फॉर देयर पेशेंट सिमिलरली जब आप बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट केयर सो यहाँ पे आप एडमिशन एंड ओरिएंटेशन में हॉस्पिटल किस तरीके का उसका रूटीन क्या उसके रूल्स रेगुलेशन क्या उसका पर्सनल वार्ड इक्विपमेंट क्या है वार्ड प्रोसीजर्स क्या है आप असेसमेंट किस तरीके से वर्कआउट करते हैं आप पेशेंट की प्रोग्रेसिव क्लाइंट केयर कैसे बनाएंगे आप नर्सिंग केयर इन टर्म्स ऑफ मैस्ट्रोज थ्यूरेफायर की किस तरीके से देते हैं तो दीज फैक्टर्स बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ पेशेंट केयर परस्पेक्टिव सिमिलरली अदर एस्पेक्ट है जैसे हमने बताया कि रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स को आप कैसे आप ट्वेंटी फोर आवर रिपोर्ट कैसे रखेंगे आप बर्थ एंड डेथ रिपोर्ट को किस तरीके से मेनटेन करेंगे आप सेंसर्स रिपोर्ट को कैसे आप एनेक्टोटल रिपोर्ट्स को कैसे मेंटेन करते हैं आप इनरजेंसीज को कैसे मैनेज करते हैं आप नर्सिंग के अप्रेजल सर्विसज को कैसे वर्कआउट uh, करते हैं सिमिलरली वेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ यू नो अपार्ट फ्रॉम द पेशेंट केयर द पर्सनल मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके तो इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप आप कैसे मेंटेन करते हैं आप एजुकेशन हाउ द नर्सिंग स्टाफ कैन कंटिन्यू विदर एजुकेशन टू बिकम स्पेशलाइज हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स दे बिकम नर्सिंग एनेस्थेटिस दे बिकम नर्सिंग मिडवाइफ दे बिकम क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट और नर्सिंग प्रैक्टिशनर्स वो कैसे बन सकते हैं उनकी ग्रोथ कैसे हो सकती है उनका डेवलपमेंट कैसा होगा उनका वेलफेयर कैसा होगा सो इट इज़ इट इज़ ऑल टुगेदर कंप्लीट लीडरशिप पैकेज एंड एज आई टोल्ड यू अगर आपने uh, हमारे लीडरशिप के मॉडल्स को फॉलो किया तो दर आर फोर टाइप्स ऑफ लीडरशिप मॉडल्स इन दिस वर्ल्ड द फर्स्ट इज द लीडर द डेमोक्रेटिक लीडर द कंट्री क्लब लीडर एंड द डेमोक्रेटिक लीडर सो इफ यू सी ऑटोक्रेटिक लीडर सॉरी सो अगर हम जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर लें और हम इन टर्म्स ऑफ कि आप अपने फंक्शन किस तरीके से कर रहे हैं है ना और आपका अपने एम्प्लॉयज के साथ में रिलेशनशिप कैसा है तो एक एक्सेस पे हम रिलेशनशिप ले लेते हैं और एक एक्सेस पे हम अपना जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अगर जॉब भी अच्छा है और रिलेशनशिप भी अच्छा है तो दिन इज कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक लीडर अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है बट जॉब अच्छा नहीं जा रहा है जिस जो अपनी मन मर्जी के हिसाब से चल रहा है देन इट इज़ नोन एज अ योर कंट्री क्लब लीडर इफ द पीपल आर नॉट रिस्पेक्टिंग यू दे आर दे आर फेयरफुल फॉर ऑफ यू बट देर डूइंग देर जॉब ऑन टाइम देन इट इज़ नोन एज अ ऑटोक्रेटिक लीडर या तानाशाह लीडर एंड इफ यू आर

सिमिलरली जब आप बात कर रहे हैं सप्लाइज एंड इक्विपमेंट्स में सो ensure इंश्योर दैट इज़ अ adequate सप्लाई ऑफ materials, वो इन नहीं होना चाहिए आउट आउट ऑफ स्टॉक नहीं चला जाना चाहिए सिमिलरली आप adequate आप environment को कैसे maintain करते हैं आप देखते हैं ओवरऑल कि आपका वार्ड में प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम है कि नहीं सेफ वाटर सप्लाई है कि नहीं डस्ट कंट्रोल है कि नहीं रेडिएशन से प्रोटेक्शन है कि नहीं कंट्रोल ऑफ विजिटर्स है कि नहीं प्रिवेंशन ऑफ infection है या नहीं तो these आर थिंग्स बिकम्स वेरी वेरी Important similarly, uh, when you talk in terms of uh, <coughs> their progression, we will also see that you know many of them will go into the uh, administrative or ch uh, teaching positions. Okay, they are a part of the medical team that cares, They they will teach their subordinates how to take pro proper medical history, administer medications. इक्विपमेंट्स को कैसे मैनेज करना है डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे करना है स्पेसिफिक टास्क uh, कैसे अचीव करना है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट उनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए स्टाफ um, का एंड द नर्सिंग शुड बी हैव पर्टिकुलर यू नो उनका फिजिकल स्ट्रेंथ भी होना चाहिए बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज भी करना पड़ता है तो दीज एंड टोटल दीज आर द होल गैमेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वार्ड स्टाफ and i hope like you have been able to understand the concepts very clearly and do watch out for our videos and uh, do write to us on our email in case you want to uh, see certain specific videos on certain topics uh, thank you so much